आगे बढ़ेंगे। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर को हटाने के संबंध में थाना प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है और निर्धारित समय सीमा में इस रिपोर्ट को नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन का डंडा चलने लगा है। जहां कहीं भी बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में ना तो धर्म देखा जा रहा और ना ही जाति। सीतापुर में धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। सीतापुर में बगैर अनुमति के धार्मिक स्थलों पर चल रहे लाउडस्पीकर पर प्रशासन का डंडा चला है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में सभी धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। साथ ही पुलिस ने परमिशन वाले लाउडस्पीकर संचालकों को मानक के हिसाब से बजाने के निर्देश दिए हैं। सहारनपुर में लाउडस्पीकर पर अजीब सी असर। संस्था अपने खर्चे पर मंदिरों में लगवा रही है लाउडस्पीकर। सहारनपुर में लाउडस्पीकर को लेकर अजीब तरह की कहानी चल रही है। यहाँ एक हिंदू योद्धा परिवार संस्था से जुड़े लोग मंदिरों पर खुद जाकर अपने खर्चे पर लाउडस्पीकर लगा रहे हैं। ये वो मंदिर है जहाँ लाउडस्पीकर नहीं लगे हैं। गाजियाबाद में लाउडस्पीकर बजाने पर होगी कार्रवाई। धार्मिक स्थल पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं। तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत मिली तो फौरन एक्शन लिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा जांच टीमें बनाई गई हैं। जो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, अपर नगर मजिस्ट्रेट हैं और उप जिलाधिकारीगण हैं, वो बाकायदा जो है क्षेत्र में देखेंगे लोगों की शिकायतों के आधार पर भी। और वैसे भी कहीं भी जो अपर मुख्य सचिव महोदय ने आदेश किया है, अगर उसके उल्लंघन का कोई मामला पाया जाएगा तो उसमें जियो में साफ तौर पे उसमें नोटिस का प्रारूप भी है। हम लोग पहले नोटिस देंगे और नोटिस दे करके जो है उसको पूरा हम लोगों का है कि जो शासन का आदेश है और जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका पालन कराया जाए। लाउडस्पीकर पर प्रशासन का डंडा बिना भेदभाव के चल रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई को सूफी खानकाह एसोसिएशन के अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने सही ठहराया है। यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है कि जिससे लाउडस्पीकर की संख्या को सीमित कर दिया जाए या उसके डेसिबल को कम कर दिया जाए तो उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि धर्म का चश्मा लगा करके उसको सियासी रंग देना चाहिए। वहीं देश में लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि ये न्यायपालिका का फैसला है। लाउडस्पीकर उतारने का आदेश न्यायपालिका के द्वारा दिया गया है, उसका अनुपालन कराना एक सरकार की जिम्मेदारी है और उसी कड़ी में इसको देखा जाना चाहिए। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज रहे और कानून की पूरी तरह से पालन हो, न्यायपालिका के आदेश का पालन हो, वो पालन कराने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने लाउडस्पीकर को इस्लाम अजान और नमाज से जोड़कर देखे जाने पर कहा है कि इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लाउडस्पीकर कोई धर्म का पार्ट नहीं है। नमाज और मस्जिद धर्म का पार्ट हो सकती है, लाउडस्पीकर धर्म का पार्ट नहीं है, तो इस पर बहुत ज्यादा रिजिड होने की जरूरत नहीं है। अगर ये वहां पर लोगों की परेशानी बन रहा है, लाउडस्पीकर की आवाज से लोगों को दिक्कत आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए। धर्मगुरुओं को विचार करके उसका हल निकालना चाहिए, यही हमारा देश की संस्कृति और संस्कार है। दरअसल देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूपी में सीएम योगी के फैसले के बाद अब लाउडस्पीकर की आवाज के मानक तय कर दिए गए हैं। साथ ही जहां भी बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगे हैं वहां से हटाया भी जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण को लेकर जब सीएम ने सख्ती की और प्रशासन एक्टिव मोड में आया तो इसका असर भी साफ दिखने लगा है। कहीं लोगों ने मर्जी से लाउडस्पीकर को हटाए तो कहीं प्रशासन ने समझा बुझाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लाउडस्पीकर को हटाया। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर योगी सरकार ने जो फैसला लिया है उसका असर भी अब नजर आने लगा है। मंदिर हो या मस्जिद, जिस भी धार्मिक परिसर में लगे स्पीकर लोगों की परेशानी का सबब बन रहे हैं, वहां से लाउडस्पीकर को हटाने का काम लगातार जारी है। लाउडस्पीकर को लेकर सरकार के फैसले का असर पुराने लखनऊ में साफ नजर आया, जहां तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को समझा बुझाकर लाउडस्पीकर को हटाने का फैसला लिया गया और कई मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाया गया।
कोर्ट के आदेश का असर बिजनौर की इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, जहां जिले की 60 से ज्यादा मंदिर और मस्जिदों में लगे एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर को प्रशासन ने उतरवाया। आपसी सहयोग के बाद यह तय किया गया कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे पर सिर्फ एक ही लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत होगी। मुजफ्फरनगर जिले में भी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाने का काम चलता दिखा। शहर में सीएम योगी के आदेश का असर भी होता हुआ नजर आया। सीएम योगी के आह्वान और कोर्ट के आदेश के बाद मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया गया और सीओ विनय कुमार गौतम ने सभी धर्म के लोगों से संवाद करके उनको समझाया। सभी धर्मों के लोग जो धर्म गुरु आए थे उनको अवगत कराया गया था, सबने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और जहाँ जहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पे लाउड स्पीकर ज़्यादा संख्या में लगे हुए थे उन्होंने उनको अतिरिक्त स्पीकर्स को हटाया और जो स्पीकर लगे भी गए हैं उनमें आवाज़ उनकी कम की गई। लाउड स्पीकर पर सरकार के फैसले के समर्थन में इटावा की जनता भी खड़ी दिखाई दी, जहां सीएम के आह्वान और शासन के निर्देश के बाद लोगों ने सरकार के फैसले पर सहमति जताते हुए लाउड स्पीकर को हटाया। सहारनपुर कुतुबशेर की ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि सीएम के फैसले के समर्थन में आम जनता खड़ी है। अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाकर ये संदेश दिया गया कि देश के फैसले के साथ सभी लोग हैं। एटा की जनता ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सभी एक साथ हैं। यही वजह है कि सरकार के आदेशों को मानते हुए अपनी इच्छा से तमाम धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को हटाया गया। पुलिस मुख्यालय पर हुई पीस कमेटी की मीटिंग में ये तय किया गया कि लाउड स्पीकर को लेकर सरकार के फैसले के समर्थन में सभी एक साथ खड़े हैं। काफी लाउड स्पीकर आज उतर चुके हैं, जो बचे हैं उनको हम लोग नोटिस दे रहे हैं, उनको भी उतारा जाएगा या वो अनुमति लेंगे और निर्धारित डेसिबल तक बजाएंगे। साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर पूजा अर्चना सभी धर्मों के लिए है कि यातायात किसी प्रकार का बाधित ना हो, इस तरह के निर्देश भी दिए गए। तो सरकार ने जो फैसला लिया था उसका असर भी शहर शहर में नजर आ रहा है। एक तरफ आपसी सहयोग से लोग धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं तो साथ ही सरकार के फैसले के साथ खड़े भी नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।